सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं मनदीप देशवाल स्वागत करता हूं आपको हमारे चैनल द एडमिट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, नया सत्र जो है स्टार्ट हो चुका है और बच्चों के एडमिशन से संबंधित जो भी जितने भी कार्य हैं वो सभी जो हैं ऑनलाइन होने हैं। इससे रिलेटेड जो वेबसाइट थी HRY एडोमिस, वो अभी फ़िलहाल फंक्शनल नहीं है। उसकी जगह पर वन स्कूल सूट एक नई वेबसाइट है जो अभी फ़िलहाल इस कार्य के लिए फंक्शनल है। तो आज जो है वन स्कूल सूट MIS वाली साइट पर जाकर ही हम आपको बताएंगे कि हर एक क्लास का जो सेक्शन है वो कैसे अलॉट करना है और बच्चों को सेक्शन में कैसे ट्रांजिट करना है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम गूगल क्रोम खोलेंगे और उसमें सर्च करेंगे वन स्कूल सूट। टाइप करते हैं वन स्कूल सूट, इस पर क्लिक करेंगे। टॉप मोस्ट जो आपको वेबसाइट दिखेगी वो वही है। ओपन होने के बाद ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा, तो यूजर नेम और पासवर्ड जो आपको पुराने MIS का था वही इसका है। एंटर करने के बाद यहाँ ये लॉगिन हो गया है और डैशबोर्ड खुल गया है। MIS पोर्टल आप देख सकते हैं। अब इसमें हमें सबसे पहले ऑप्शन पर स्टूडेंट मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे ये सारे जो ऑप्शन है स्टूडेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड, जो भी ऑप्शन है एडमिशन से रिलेटेड, सेक्शन एलोकेशन से रिलेटेड, रोल नंबर एलोकेशन से रिलेटेड, जो भी इसमें सारे ये ऑप्शंस हैं ये ओपन हो जाएंगे। अब इसके बाद हम यहाँ करेंगे सेक्शन एलोकेशन। उससे पहले, सेक्शन एलोकेशन करने से पहले जो है एक बात का ध्यान रखना है कि सेक्शन एलोकेशन करने से पहले हमें लास्ट ऑप्शन पर जाना है जो कि है ऐड सेक्शंस। तो पहले क्लास वाइज सेक्शन हमें अलॉट करने हैं, उसके बाद जो है हम स्टूडेंट्स को सेक्शन एलोकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए चलते हैं ऐड सेक्शन पर। ऐड सेक्शन पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास सेलेक्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगी। उसमें हमारे पास एकेडमिक ईयर दिया गया है, उसके बाद दी गई है सेलेक्ट क्लास। क्लास में हमारी वही 1 to 5 क्लास हैं, तो यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं क्लास 3। तो ये क्लास हमारी सेलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद हमारे सेक्शन नेम है, जितने भी सेक्शन आप चाहते हैं वो आपको यहाँ ABCD की फॉर्म में दिख जाएंगे, तो हमने सेलेक्ट किया ए। अब इसके बाद हमें उसका देना है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है, तो हमने सेलेक्ट किया इंग्लिश। अब इसे करेंगे हम सेव। तो ये जो रिकॉर्ड था ए सेक्शन का वो सेव हो चुका है, मतलब क्लास को जो है एक सेक्शन अलॉट हो चुका है। अब दोबारा से वही प्रोसीजर हमें करना है, दोबारा से क्लास सेलेक्ट करेंगे 3, उसके बाद सेक्शन बी, और उसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में हम दूसरा सेक्शन जो है मान लो हिंदी को देते हैं, तो हिंदी सेलेक्ट करेंगे। दोबारा से ये रिकॉर्ड जो है हमें सेव करना होगा, तो इसे सेव करते हैं। तो रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, ये सेव हो चुका है। ए और बी सेक्शन जो है थर्ड क्लास को दिए जा चुके हैं। राइट साइड में आप देख पाएंगे डिलीट का ऑप्शन भी दिया गया है। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आप ये सेक्शन डिलीट भी कर सकते हैं और दोबारा लोकेट कर सकते हैं। तो ये तो था थर्ड क्लास का। आइए अब चलते हैं और सभी क्लासेस के सेक्शन एलोकेट करते हैं। फर्स्ट क्लास, तो फर्स्ट क्लास में हमारे पास सिर्फ एक ही सेक्शन है, तो ये सेक्शन एलोकेट करना है इंग्लिश मीडियम और सेव करना है रिकॉर्ड। तो फर्स्ट क्लास का हो गया। अब उसके बाद हम लेंगे सेकंड क्लास। सेकंड क्लास में भी हमारे पास एक ही सेक्शन है, तो वही सेक्शन ए एंड मीडियम इज इंग्लिश। अब कर देंगे सेव रिकॉर्ड। तो ये रिकॉर्ड हो गया सेकंड का भी। अब थर्ड हो चुका था हमारे पास पहले ही, हमने कर दी थी। अब हम सेलेक्ट करेंगे फोर्थ क्लास। फोर्थ में हमारे पास दो सेक्शन हैं, तो ए इंग्लिश मीडियम, सेव रिकॉर्ड, एंड देन फोर्थ क्लास सेक्शन बी हिंदी मीडियम एंड सेव रिकॉर्ड। तो ये फोर्थ क्लास का हो चुका है। और लास्ट में अब हमारे पास है फिफ्थ क्लास। तो फिफ्थ क्लास के भी हमारे पास एक ही सेक्शन है, तो आइए चलिए फिफ्थ क्लास को भी सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से क्लास सेलेक्ट करेंगे फिफ्थ, और उसके बाद सेक्शन ए, और फिफ्थ का जो सेक्शन है वो हमारे पास हिंदी है, तो हिंदी को रिकॉर्ड करते हैं, सेव रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, जो भी क्लासेस थी, जितने भी सेक्शन थे, वो जो हैं यहाँ ऐड हो चुके हैं। ऐड सेक्शन में जाकर हमने ये क्लासेस के सेक्शन एलोकेट कर दिए हैं। अब ये क्लास वाइज सेक्शन बनाने के बाद अब हम इन सेक्शन में स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे। तो आइए सेक्शन एलोकेशन देखते हैं।
तो सेक्शन एलोकेशन पर क्लिक करें। उसके बाद हमें यहाँ क्लास पूछी गई है, तो क्लास पर क्लिक करें और क्लास में मान लो हम लेते हैं फोर्थ क्लास और सर्च करते हैं, तो ये सारे बच्चे जो हैं फोर्थ क्लास के जितने भी ट्रांजिट हुए हैं वो सारे यहाँ एक जगह पर आ गए हैं। जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ थी ए और बी सेक्शन की लास्ट ईयर की, वो सारी एक जगह दिखाई गई है। अब इसमें से हमें सेलेक्ट करना है किसे हमें ए सेक्शन में रखना है और किसे हमें बी सेक्शन में रखना है। तो किसी भी एक सेक्शन के बच्चों को पहले सेलेक्ट कर लें। मान लो ए सेक्शन के बच्चों को हमने सेलेक्ट किया, जो बी का है उसे छोड़ दें, जो ए सेक्शन के हैं उन्हें सेलेक्ट करते चलें। तो इस तरह से आपको हर एक बच्चे के सामने टिक करना होगा, जिस भी बच्चे को आप जिस भी सेक्शन में डालना चाहते हैं। मान लो हम अभी फिलहाल ए का कर रहे हैं, तो ए के लिए जितने भी स्टूडेंट थे हम उनको टिक करेंगे इस तरह से। तो ये जो है यहाँ ए सेक्शन के बच्चे सारे हमने टिक कर दिए हैं। आप दोबारा से ये काउंट कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि सारे बच्चे हो चुके हैं या नहीं हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बी सेक्शन का कोई बच्चा हो और वो ए के लिए हमने सेलेक्ट कर लिया हो, तो इसे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये सारा जो डाटा है वो ठीक है। अब हमें इसमें करना है एलोकेट, तो एलोकेट पर जाएंगे और क्लिक करेंगे। तो एलोकेट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएंगे सेक्शन डिटेल्स, सेक्शन ए और बी, ये जो बच्चे हमने सेलेक्ट किए हैं वो किस सेक्शन में रखने हैं। तो हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं ए सेक्शन एंड देन क्लिक ऑन प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद ये सारे नाम जो है आपको यहाँ शो होंगे, क्रॉस चेक कर सकते हैं आप। और उसके बाद आपको करना होगा कन्फर्म एलोकेशन। तो ये जितने भी नाम थे वो दोबारा से यहाँ आपको क्रॉस चेक करने के लिए शो किए गए हैं, ताकि कोई गलती से किसी और सेक्शन का बच्चा यहाँ ऐड ना हो गया हो। तो आप इसे ज़रूर चेक करें। और लास्ट में हमारे पास यहाँ ऑप्शन है कन्फर्म एलोकेशन, तो इसे क्लिक करें। तो सेक्शन एलोकेटेड सक्सेसफुली, वो जो सेक्शन था उसमें वो बच्चे ऐड हो चुके हैं, उन्हें सेक्शन एलोकेट किया जा चुका है। अब दोबारा से हम फोर्थ क्लास पर जाते हैं। अब इसे जब हम सर्च करेंगे तो हमारे पास सिर्फ वही बच्चे आएंगे जो हमने सेलेक्ट नहीं किए थे। तो 17 बच्चे जो हैं यहाँ शो हो रहे हैं, जो कि रह गए थे जिन्हें सेक्शन अलॉट नहीं हुआ था। अब हम अगर एक ही इसके बाद एक ही लास्ट सेक्शन है तो हम सबको एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद वही प्रोसीजर एलोकेट सेक्शन बी और फिर प्रोसीड, और प्रोसीड करने के बाद वही क्रॉस चेकिंग के लिए और उसके बाद कन्फर्म एलोकेशन। तो सेक्शन बी के बच्चे जो हैं वो भी एलोकेटेड हो चुके हैं, सेक्शन एलोकेटेड सक्सेसफुली। तो ये था प्रोसीजर सेक्शन एलोकेशन का, ऐड सेक्शन करने का, पहले तो क्लास में सेक्शन ऐड करने का और उसके बाद उन सेक्शन में स्टूडेंट्स को ऐड करने का, ये प्रोसीजर था। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। बड़ा ही सिंपल सा प्रोसीजर है ऐड सेक्शन करने का और उसके बाद सेक्शन एलोकेट करने का। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बाकी अध्यापक मित्रों में भी इसे शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।